नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2021 फोर्स गुरखा और महिंद्रा थार को, और ये भी जानेंगे क्या महिंद्रा थार पर भारी पड़ेगी फोर्स गुरखा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नई महिंद्रा थार को पिछले साल यानी कि 2020 में लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक इस एसयूवी ने भारतीय कार मार्केट पे राज किया है। लेकिन इसे टक्कर देने के लिए भारत में जल्दी ही 2021 फोर्स गुरखा एसयूवी की एंट्री होने जा रही है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों कारों की इंजन के बारे में। 2021 फोर्स गुरखा की बात करें तो इसमें ग्राहकों का BS6 कंपाइल्ड 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन को अधिकतम 89 BHP की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है, और आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी मिलेगा। वहीं 2020 महिंद्रा थार में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला है 2 लीटर एमस्टेलियन TGDI पेट्रोल इंजन, तो वहीं दूसरा 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन है, जिससे इस एसयूवी को जबरदस्त पावर मिलती है। इसके साथ ही इस कार में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। महिंद्रा थार की पावर की बात करें तो इसमें 130 BHP की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने वाली इंजन लगी हुई है। तो इंजन और पावर में महिंद्रा थार फोर्स गुरखा से काफी आगे है। फोर्स गुरखा को 10 से 12 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा थार के प्राइस की बात करो तो 12 से 15 लाख की प्राइस रेंज के अंदर ये कार अवेलेबल है। फोर्स गुरखा महिंद्रा थार को टक्कर तो देगी, लेकिन थार को इतनी जल्दी ओवरटेक नहीं कर पाएगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को भी आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।